पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज यानी बुधवार को हरियाणा के नंबरदारों को आयुष्मान में शामिल करने और स्मार्ट मोबाइल प्रदान किए जाने को लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा के नंबरदारों द्वारा दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद किया गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नंबरदारों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे पूरा किया गया और कोशिश रहेगी इनका मानदेय प्रत्येक महीने इन्हें समय पर मिल पाए। कुछ एक बहुत बड़ी पुरानी मांग हमारी नंबरदार एसोसिएशन की, मेडिकल बेनिफिट्स जो है वो आयुष्मान भारत के नंबरदारों को मिले, जैसे और पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेगुलर कम्युनिकेशन के बाद वो अप्रूवल भी आया कि हरियाणा प्रदेश के तमाम नंबरदारों और हमारे कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों आयुष्मान भारत के बेनिफिट्स। उसके साथ एक वादा था सरकार कि नंबरदारों को मोबाइल फोन दिए गए, इसका अप्रूवल हो चुका है और मैं ताजिल से आग्रह किया कि मोबाइल लेना चाहते हैं या उसका डीबीटी लेना चाहते हैं वो फैसला एसोसिएशन का आगे प्रसन्न। और एक मांग उनकी है कि जायज इनका मानदेय जो है महीने की महीने तमाम नंबरदारों के खाते में, इसको हम अपने 30 दिनों में रिजॉल्व करना है। और मैंने इनसे आग्रह भी किया कि नंबरदारों के कार्यों को और कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या चीज़ें डिस्टन इनके ऐड हो सकते हैं, उसके ऊपर भी सुझाव एसोसिएशन अगले इसके ऊपर का समय हो चुका है सेशन को। बीच में कोविड की ऐसी वेव आई कि तमाम कमेटी मीटिंग थी और मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट, कल यही कारण था क्योंकि कमेटी मीटिंग्स दोबारा सुचारू तौर से शुरू हो चुकी है कि तमाम विधायकों से उनके कोई ग्रीवेंस एड्रेस करने उस पर भी चर्चा हो, प्लस आगे कैसे भी दोनों पार्टी अपना जॉइंटली एफर्ट्स उसके लिए कार्य शुरू किए। और मुझे लगता है 2 घंटे जो बड़े विस्तार से चर्चा हुई उसका आने वाले दिनों में आप फील्ड में भी पॉजिटिव आउटकम देखिए। सरकार की जो योजनाएँ 1.5 साल में आई तो लाभ लोगों को मिला है, उसको प्रॉपरली पड़ता है। आज ओम प्रकाश चौटाला जी की मैं बात भी सामने आई है, क्या कुछ तो परिवार के लिए कितनी बड़ी खुशी है। मामले माध्यम से टीवी से पता चला कि बिहार ने कोई ईमेल करी है और उसके अंदर किया है, हमारे लिए खुशी की बात कि जो साजिश उनके विरुद्ध रची गई है, डॉक्टर चौटाला के विरुद्ध रची गई, डॉक्टर अजय सिंह जी इंटरम बेल पे उनसे ज़्यादा रहे, उनका टेन्योर थोड़ा और बढ़े, मगर अगर ट्विटल उसका सेंटेंस पूरा हुआ है तो मैं मानता हूँ कि एक बारी बारी जो टेंशन रहती है वो समाप्त। बहरहाल इस फैसले से अधिकारियों में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।